कोई हमारे साथ छल करता है, कोई हमें पीड़ा देता है, तो तन दुख से और मन प्रतिशोध से भर जाता है और फिर हम प्रतिकार चाहते हैं, अपने मन की अग्नि को शांत करने के लिए प्रतिशोध चाहते हैं। और दोस्तों यही हम सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। तो क्या किया जाए? इसका केवल एक ही उपाय है और वो है क्षमा। यदि आपको प्रतिकार चाहिए तो प्रतिशोध को भुला दीजिए और न्याय की ओर अपने कदम बढ़ाइए, क्योंकि यही वास्तविक प्रतिकार है। हम अपनी सोच और संसार की मान्यता के अनुसार अपने विचारों को बनाते हैं। जैसे सत्य कहना धर्म है और असत्य कहना पाप, सहनशीलता धर्म है और क्रोध करना अधर्म है, उपकार करना, जीवों पर दया करना ये धर्म है और निष्ठुर होना अधर्म है। परंतु दोस्तों क्या यही सत्य है? क्या कभी कभी परिस्थितियाँ इन आवेशों को उल्टा नहीं कर देती? अवश्य करती हैं। यदि संसार में कुछ धर्म है, कुछ पुण्य है, कुछ महान है, तो परिस्थिति के अनुसार चलना। क्या रामायण में जटायु का किरदार याद है आपको? वो जिन्होंने रावण पर क्रोध किया था, उस पर आक्रमण किया था, उस समय जटायु का क्रोध पाप नहीं था बल्कि धर्म था, इसलिए अंत में उन्हें भगवान राम की गोद मिली। और दोस्तों कुछ ऐसे भी होते हैं जो धर्म को सहनशीलता समझकर हर अन्याय को सहते चले जाते हैं और अंत में वो बाणों की संज्ञा पाते हैं। यदि कोई पशु या व्यक्ति अकारण किसी निर्दोष के प्राण लेना चाहे तो उसकी रक्षा करने हेतु उसकी मृत्यु कर देना पाप नहीं है बल्कि समय की मांग है, क्योंकि आक्रमण ही आत्मरक्षा है। यदि किसी दुष्ट प्राणी की सहायता करने से किसी सामान्य मनुष्य को कष्ट पहुँचे, उसे पीड़ा पहुँचे, तो उसे सहायता न देना ही धर्म है। अकारण क्रोध अस्वीकार है, परंतु यदि क्रोध से कुछ शुभ हो, पाप बाहु भीच हो, तो इस स्थिति में क्रोध और दंड भी धर्म ही है। स्वीकारण, सत्य का स्वीकारण मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक मनुष्य सत्य को स्वीकार नहीं कर लेता, उसे असत्य से लड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। जब आप भोजन करते हैं तो क्या होता है? आपका पेट स्वीकारता है कि वो भर चुका है और आप भोजन करना बंद कर देते हैं। जब आपको निंद्रा आती है तो क्या होता है? आपका मन स्वीकारता है कि आपका शरीर थक चुका है, अब उसे आराम की जरूरत है। उसी प्रकार जब आपको किसी व्यसन को रोकना हो तो आपको स्वीकारना पड़ता है कि बहुत हो चुका है, चाहे वो लालच हो या फिर मदिरा पान। उस व्यसन का त्यागना तभी प्रारंभ होता है जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि आप उस व्यसन के बंधक हैं। दोस्तों मेरी ये बात अपने जीवन में अवश्य याद रखना कि जब भी आप अपने आसपास किसी सफल मनुष्य को देखो तो उससे ईर्ष्या मत करना बल्कि उसके परिश्रम और उसकी पीड़ा को समझने का प्रयास कीजिए जो उसने यहाँ तक पहुँचने में पाई है। प्रेरणा ले, प्रयास करें और स्वयं को भी एक सफल मनुष्य बना लीजिए। हमारे जीवन का मूल आधार है करुणा। करुणा क्या है? करुणा दया नहीं, करुणा तो वो भाव है जिससे हम दूसरे व्यक्ति की समस्या को समझते हैं, उसकी कठिनाई को अनुभव करते हैं। इस संसार में सारे संघर्षों का मूल है एक दूसरे की परिस्थिति को ना समझ पाना। और दोस्तों इस समस्या का हल है करुणा। करुणा यदि किसी पशु पक्षी के प्रति हो या फिर किसी मनुष्य के प्रति, ये आपके जीवन से कलेश और संघर्ष जैसी भावनाओं को दूर रखती है। और जिस दिन आप दूसरे को करुणा के दृष्टिकोण से देखोगे तभी आपको उसकी समस्या समझ आ जाएगी और उसे आपकी। दोस्तों यकीन मानिए उस दिन आपके सारे संघर्षों का अंत हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको भगवान श्री कृष्ण के यह उपदेश काफी अच्छे लगे होंगे। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार हमें जरूर दीजिएगा।